नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मिर्जापुर में गंगा यात्रा के दौरान विंध्याचल धाम में पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ आए युवाओं की टीम ने लाठी भाला और तलवार का प्रदर्शन विंध्याचल धाम में किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया से परचम फहराना है, हमारे सामने चीन और पाकिस्तान समेत कोई नहीं टिक पाएगा। योगी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी होने को कहा तो मोदी को शक्ति प्रदर्शन करने की ईश्वर से कामना भी की गई। मैं ये कह सकती हूँ कि नरेंद्र नाथ दत्त से नरेंद्र मोदी तक की जो यात्रा थी, पहले भारत के स्वाधीनता की, फिर भारत की चेतना की स्वाधीनता की, फिर भारत के विकास के आधारों की स्वाधीनता की, ये जो यात्रा है ये नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद से नरेंद्र मोदी तक ये मशाल चलती आई है। और मुझे लगता है कि भारत पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, न चीन टिक पाएगा, न पाकिस्तान टिक पाएगा। और हम जिस नीति को अपना करके चल रहे हैं कि हम किसी को हिंसक तरीकों से ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं, हम सबके साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहते हैं, और जब हम पे संकट आएगा तो हम जरूर अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। और इसलिए इसी भाव से मुझे लगता है कि देशवासियों ने मोदी का भरोसा किया है, ये भरोसा मोदी जी पे कायम रहे। यहाँ पर मैं आपके कई प्रश्नों के आने उत्तर पहले ही दिए देती हूँ। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये लोगों की नज़र में गिर चुकी पार्टियाँ हैं, लोगों की नज़र में गिर गई हैं, क्योंकि इनने परिवारवाद की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की, इनने वोट बैंक की राजनीति की, इन्होंने तो जिस प्रकार से राजनीति को कलंकित किया है उत्तर प्रदेश में, तो खास करके उसका परिणाम है, एक तरफ एक अपराध के लिए जानी गई एक पार्टी सपा जैसी पार्टी, और एक भ्रष्टाचार के लिए जानी गई बसपा जैसी पार्टी, और कांग्रेस दोनों के लिए जानी गई, दोनों की एक प्रकार से कांग्रेस को मैं कह सकती हूँ। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा पहुंची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने नेहरूपुरी चुंगी स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और कहा कि 2022 में बीजेपी सरकार बन रही है, विकास ही हमारा मुद्दा होने वाला है और हमने विकास किया है। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक पहुंचाने में इस वक्त लगे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जोरों से इस वक्त लगे हुए हैं और 2022 में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, 2022 में चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और उसी के लिए ये कार्यक्रम आज शुरू होने जा रहा है कि हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकदम तैयार है, उसका जोश देखते ही बनता है। जिस तरह मेरा स्वागत किया गया है उससे तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम 2022 में और अधिक सीटों से जीत के सरकार बनाएंगे। हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारे बूथ तक हमारा कार्यकर्ता लग गया है, जितनी भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की योजनाएं, उनको हमें घर घर तक पहुंचाना है और यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम केवल एक पर्टिकुलर किसी के लिए, किसी समाज के लिए कार्य नहीं करते हैं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। वही बलिया के बांसडीह विधानसभा से भाजपा नेता अजय शंकर पांडे कनक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चैलेंज दिया और कहा कि गाजीपुर से लखनऊ विजय यात्रा लेकर पहुंचने पर उन्होंने योगी के एक्सप्रेसवे का अनुभव अखिलेश यादव मीडिया को जरूर बताए। आगे भाजपा नेता ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो पूर्वांचल के लोगों के लिए बना है, पर सबसे पहले एक्सप्रेसवे का फायदा अखिलेश यादव उठाने जा रहे हैं। भाजपा नेता ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी और मोदी ने पूर्वांचल के लोगों के लिए विकास पथ बनाया है, पर अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालकर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का रास्ता तय कर रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, जिनके बदौलत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ।
निश्चित रूप से एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और जहाँ तक होड़ लगी हुई है लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि कल मोदी जी और योगी जी ने उस सड़क का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, और आज अखिलेश यादव जी उस पे आ रहे हैं उसका श्रेय लेने के लिए। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि योगी और मोदी जी को कि पूर्वांचल के लोगों से पहले, अगर सबसे पहला अगर कोई श्रेय लेने आ रहा है तो सपा की सपा के सर लोग आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं उस रोड का। मैं तो उनसे यह कहना चाहूँगा कि वो मीडिया वालों को एक बार ज़रूर चल के बताएं, जाने के बाद वहाँ से जब यहाँ से लखनऊ पहुँचे तो एक बार मीडिया वालों से यह ज़रूर बताएं कि हमारी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसको योगी जी ने बनवाया है, मोदी जी ने बनवाया है, उसका अनुभव कैसा रहा, कितना बढ़िया अनुभव उनके पास रहा, वो ज़रूर एक बार मीडिया वालों से बताएं। वैसे हमारे नज़र में तो ऐसा लगता है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि मैं खुद ही कंस्ट्रक्शन फील्ड में 10 साल काम किया हूँ, और मैं जानता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बेहतर रोड पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गाजीपुर से पखनपुरा में दौरा हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजीपुर में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदल रही है, अगले विधानसभा चुनावों में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मौके पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे हुए थे। जनसभा में भीड़ देख अखिलेश यादव ने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बता दें कि यात्रा के दौरान वे बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ में जनसंपर्क और सभाएं कर चुके हैं। बता दें कि मऊ में यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। वहीं बांदा पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दूसरे दिन सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष बीजेपी की केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने विकास के नाम पर फर्ज अदा किया है और 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के निर्देशन में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी गायक के नाम से वोट तो मांगती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जानवर के छुट्टे घूमने के कारण से फसल बचाना मुश्किल हो गया किसानों को। रात रात भर जग के अपनी फसल बचाने के लिए बात है। यहाँ कुछ गौशालाएँ खुलेगी, लेकिन मवेशियों की मृत्यु की लगातार खबरें आ रही हैं। हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरुआत की। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ 11,000 पंचायतें हैं, 10,000 पंचायतों के लिए हमने गौठानों के निर्माण की। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ के गांव गोकुलपुर के रहने वाले प्रदीप ठाकुर पर भाजपा के ब्लॉक प्रमुख परिवार के सदस्यों से मामूली कहासुनी को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण प्रदीप को आरोपियों ने जेल भिजवा दिया है। लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रदीप के परिवार वालों को पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा के आतंक से परेशान होकर पीड़ित परिवार ने सपा के पूर्व विधायक से मामले की शिकायत की और पुलिस कप्तान से मिलकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन मांगा। ये मैं थाना विजयगढ़ की जबरदस्ती के बारे में आया यहाँ पर एसएसपी साहब के पास। गोकुलपुर एक गांव है थाना विजयगढ़ के अंदर, वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है हमारी जो अभी चुनी गई है उनका भी गांव है, और एक लड़का वहाँ रहता है प्रदीप ठाकुर जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसको उसने ये कह दिया था कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वोट दूंगा। इसी को लेकर उसके खिलाफ एसओ ने 147, 148, 323, 356, 427 के तहत उसको 2 महीने से जेल में डाल रखा है और बेचारे की जमानत नहीं होने दे रही पूरा।
वहीं बुलंदशहर में राज्य महिला आयोग की सदस्य रामसखी कठेरिया ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों को लेकर जनसुनवाई की। आज की सुनवाई में जनसखी कठेरिया ने सभी मामलों को सुनकर उनका निस्तारण करने का अधिकारियों को आदेश भी जारी किया। पास 6 मामले आए और 6 मामले की यहाँ पर संबंधित अधिकारी सीएम साहब बैठे हैं, सीएम साहब बैठे हैं। पूरा प्रयास ये है इस मामलों को उनका निस्तारण। अलीगढ़ में इगलास के गांव साथनी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर भाई ने अपने ही भाई के पैर पर फावड़े से हमला कर दिया। फावड़ा लगने से भाई मौके पर ही गिर गया और उसके पैर में गंभीर चोट लगने के कारण वो घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया, वहीं डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक होने के चलते उसे जिला चिकित्सालय फिलहाल रेफर कर दिया है। पैर कटाई एक मेरा भांजा में आई, हम 3 आज में उसका एक बाप मर गया है, उस चक्कर में हम यहाँ गए तो मुझे अगर तू शराब पी के आता है और तुझे काट दूंगा। क्यों? तो वो पैसा मांगते, वो पे पैसा है नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूँ, अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने पैर काट दिया मेरा पावड़े से, मुझे बोले तुझे ख़त्म कर दूंगा। और मैंने बहुत बड़े मर्डर किए हैं, मैंने माठिया मारा हुआ, मैं कई मर्डर करते मैंने, उसका नाम रामचंद्र। वहीं आजमगढ़ के सराय मीर कस्बे में एक किशोरी का अपहरण करके कुछ युवकों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। ये मामला 2 वर्गों का होने के कारण क्षेत्र में फिलहाल तनाव हो गया, जबकि हंगामे की सूचना मिलते ही डीआईजी व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मौके पर पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मौके पर पूरे क्षेत्र की पीआर फोर्स भी तैनात कर दी गई। एसपी ने बताया कि पीड़ित को मुक्त कराकर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आज सुबह लगभग 8 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि सरायमीर कस्बे में एक घर के अंदर एक लड़की को बंधक बना के रखा गया है और उसके परिवारजनों के द्वारा उस लड़की को छुड़वाया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जो लड़की थी जो परिवारजनों के द्वारा जिसको छुड़वा लिया गया था उनको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया जिला अस्पताल। उनको उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, उनके स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, अभी वर्तमान में बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया है, वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। परिजनों के द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है, उनके आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई है। जो भी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर तत्काल FIR पंजीकृत की जाएगी, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा जो भी वही मिर्जापुर रेलवे स्टेशन में सुबह के धुंध की वजह से ट्रेन न देख पाने के कारण बड़ा हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल बताई जा रही है, जो नागपुर से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से 8 लोग भदोई में शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी लोग ट्रेन से उतरने के बाद रेलवे स्टेशन के दरवाजे के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास खुली जगह से रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और इसी बीच सुबह की धुंध के कारण डाउन ट्रैक से गुजर रही झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन को वो नहीं देख पाए और उस ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला रोटी बनाने के दौरान आग का शिकार हो गई, जिसके कारण महिला की साड़ी में आग लग गई और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी चपेट में आने से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। वहीं आपको बता दें कि बुरी तरह से जख्मी होने के बाद महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। रोटी बना रही है, रोटी में आग लग गई। अच्छा, मैं जैसे ही घर पे आया हूँ, जैसे मैंने देखी तो वो फड़फड़ा रही आग लगा रही, जैसे मैं भाजो बुझावे तो बुझाई बुझाई तो आपके भी हाथ जल गए बुझाने में। वहीं मथुरा वृंदावन की महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने मथुरा राजकीय संग्रहालय में राज्य ललित कला अकादमी और उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद की तरफ से ब्रजराज उत्सव के मौके पर ब्रज की ऐतिहासिक पौराणिक और पुरातात्विक पर आधारित 3 दिवसीय चित्रांकन शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। देखिए, आज यहाँ पर राज कला के द्वारा चित्रांकन शिविर 3 दिन का ये शिविर लगाया गया है और यहाँ काफ़ी दूर दराज से काफ़ी बड़े चित्रकार यहाँ आए हुए हैं,
जो अपनी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, ऐसे कलाकार यहाँ आए हुए हैं, उन सबका सम्मान किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आने का मतलब ये होता है कि ईश्वर की उन पर ऐसी कृपा होती है। मैंने ये बताया अभी अपने भाषण में भी ये कहा कि आपको अगर आप भगवान श्री कृष्ण का चित्रांकन करते तो निश्चित तौर पर आपका भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और आप एक बड़े कलाकार बनेंगे। अच्छे कलाकार आए हुए हैं, यहाँ चित्रकारी का प्रदर्शन कर रहे हैं और चित्रकारी के द्वारा वो जनता में एक संदेश देना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं यहाँ आया था और यहाँ अच्छा कार्यक्रम हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित भी हुए थे इस कार्यक्रम में। किसानों के लिए इन दिनों गेहूं बुआई के दिन चल रहे हैं, लेकिन खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा कर रखी हुई हैं। इन्हीं किसानों के मुद्दों को लेकर आज सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा के पूर्व विधायक व सपा नेता विजय पासवान अपने लाभ लश्कर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। बड़ी संख्या में इन कार्यकर्ताओं ने सपा के झंडे लेकर पूर्व विधायक के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ऑफिस तक नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खाद की किल्लत किसानों को और भी ज्यादा हो रही है। इस वक्त खाद की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्रय केंद्रों और सचिवालयों पर भी भारी कालाबाजारी इस वक्त जारी है। वहीं बुलंदशहर के श्याने के नंदपुरी मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान के लेंटर डालते समय महिला हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तत्काल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर फिलहाल रेफर कर दिया है। ऊपर माउंटेज का लेंटर पड़ता, ऊपर सरिया चढ़ रहा था। अच्छा। उस सरिया चढ़ाते में मेरा तार लगा, मेरे सुई। कौन से लाइन का तार लगा था आपके? 11,000 का। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बिजली ने पकड़ ली। अच्छा, आपकी पूरी बॉडी में बस्ट हो गए? हाँ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के तत्वाधान में 6 दिसंबर मथुरा काशी मुक्ति संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास में प्रेसवार्ता की गई। इस प्रेसवार्ता में अयोध्या से काशी के लिए संकल्प यात्रा आगे बढ़ाया जाए, बैठक में इसका निर्णय लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के संरक्षक महंत राजूदास ने कहा कि श्रीराम मंदिर की तरह मथुरा और काशी का पुनर्निर्माण भी हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास रखी में 4 मांगे जो है उनको पूरा किया जाए। गौहत्या पर लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध वहां पर होना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि व काशी का अतिक्रमण हटाकर हिंदू समुदाय को से सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिपत्य से हटाकर वैदिक बोर्ड का गठन कर उसके हवाले करना चाहिए और देश में चर्च और मदरसों पर जो नहीं है उन सभी रूल्स को भी फॉलो किया जाए। साधुवाद दूंगा पूरे देश के समस्त हिंदू जनमानस को और आवाहन भी करूंगा कि धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और आप लोग आगे आए जिसके परिणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसी प्रकार मथुरा और काशी का भी पुनर्निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य के नाते जो संगठन का जो प्रमुख 4 मांगे हैं, गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का अतिक्रमण हटाकर और हिंदू समुदाय को सौंपा जाए, नंबर 2। नंबर 3 है कि सभी पूरे देश में 4 लाख से ऊपर हमारे मठ है, मंदिर है, जिसको सरकार ने अपने अतिक्रमण में रखा है, जबकि ना तो कोई ईसाई मिशनरी है, ना तो कोई मदरसा है, नहीं तो कोई मस्जिद है। सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू जनमानस के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जितने भी मठ मंदिर हैं सबको आजाद करके और एक वैदिक बोर्ड का गठन हो, उस पैसे से हमारे यहाँ तमाम मंदिर है जहाँ भोग राग की व्यवस्था नहीं है, तमाम मंदिर है जो टूटे जीन सीन पड़े हुए हैं, उसकी रख रखाव की व्यवस्था बोर्ड के माध्यम से हो, ये योजना ये रचना। हम लोगों की पूरी लड़ाई 6 दिसंबर को वहाँ रामलीला मैदान से हम लोग निकलेंगे, वहाँ
पहला जो है हम लोगों का पूरा रूट मैप वो आप लोगों को अभी रिटेन में मिल जा रहा है, रूट मैप उसमें लगा हुआ है। उस रूट मैप के अनुसार हम लोग वापस फिर रामलीला मैदान में घूमते हुए आएंगे और वहाँ एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट पे आते हम कि हमको न्यास बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सच्चाई है कि न्यास बनाने की। हमारी अगली खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल नगर में मालगाड़ी के 8 डिब्बे खाई में गिर गए। बता दें कि दिल्ली हावड़ा रूट से संचालन हुआ था मगर लदी मालगाड़ी के 8 डिब्बे ट्रैक से नीचे खाई में गिर गए। मालगाड़ी प्रयागराज से पंडित दीनदयाल रूट से पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता के काशीपुर जा रही थी। डाउन प्रयागराज लाइन पर कई ट्रेनें चुनार, मिर्जापुर, प्रयागराज और कानपुर में रोक दी गई। सूचना के बाद पीडीडीयू नगर मंडल के डीआरएम राकेश रोशन और आरपीएफ कमांडेंट आशीष मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए। रेल के अफसरों की माने तो मालगाड़ी प्रयागराज से संगमरमर टाइल लोड कर कोलकाता के काशीपुर जा रही थी। अचानक हुए दुर्घटना के चलते ट्रैक के किनारे लगे बिजली के पोल और रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त इस वक्त हो गई है। प्रयागराज डीडीयू डाउन मेन लाइन में एक गुड्स ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया है। इसमें 8 वैगन्स डिरेल हुए हैं, 5 कुछ ज़्यादा डिरेल्ड हैं और 3 रीरेल हो सकते हैं। और अभी जो है सो डाउन मेन लाइन बाधित है, लेकिन ट्रैफिक को हम लोग डाइवर्ट किए हैं वाया लखनऊ डिवीज़न। तो गाड़ियाँ प्रयागराज से जो चल रही हैं वो व्यासनगर आएंगी, व्यासनगर से फिर रिवर्सल होकर डीडीयू पहुँच रही हैं। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक बार अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाएगा फिर जो भी। अयोध्या नगरी से शुरू हुई देव दीपावली महोत्सव अब पूरे भारत में मनाई जा रही है। ये महोत्सव जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में इस वक्त मनाया जा रहा है। अयोध्या और बनारस की तर्ज पर अलीगढ़ शहर में देव दीपावली महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 19 नवंबर को यहां पर महोत्सव के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू होंगे। आस्था डांस एकेडमी की ओर से सबसे पहले गणेश वंदना, फिर शिव तांडव, फिर बाबा महाकाल की पालकी का स्वागत होगा। एक साथ 33,333 दीपक भी जलाए जाएंगे। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने सहारनपुर चिलकाना रोड स्थित बड़ी नहर के पास बाइक पर सवार दो ऐसे कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से एक बाइक, चाकू, लाखों के जेवर और चोरी का सामान बरामद किया है। वहीं एक चोर अपने घर के बेड में इस पूरे सामान को छुपा कर रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया है। संबंधित मामलों की जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों चोरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने दो सातिर चोर पकड़े हैं, जिनसे अभी विगत दिनों में एक घर में चोरी हुई थी, जिसमें काफी स्वर्ण आभूषण गए थे। सारे के सारे आभूषण जो इतने भी उसमें चोरी हुए थे सब बरामद हुए इनके पास से, और इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। कुछ दिन पहले इन्होंने कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से ही चुराया था। ये दोनों सातिर किस्म के चोर हैं, पहले से भी इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये जो चोरी का माल इनके पास से मिला था, एक इब्राहिम जी थे उनके घर पर चोरी की घटनाएँ हुई थी, उसमें FIR दर्ज थी उसका। वहीं सिद्धार्थनगर में वाहन चेकिंग के दौरान मुहाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी की कार और नकदी समेत एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। आज जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मुहाना पुलिस के जयप्रकाश दुबे के नेतृत्व में टीम द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अनिल है और मोनू, दो अभियुक्त हैं। इनके पास से एक कार बरामद हुई है जो कि मोहाना थाना क्षेत्र से ही चोरी हुई थी। इसके संबंध में मुकदमा लिखा गया है।
अल्टो कार है ये, इसका जो मुख्य सरगना है वो लखनऊ में है, उसकी तलाश अभी की जा रही है। ये लोग यहाँ से गाड़ी उठा के लेकर जाते थे और इसको लखनऊ में बेचते थे, और अभी एक गाड़ी बरामद हुई है और भी इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। आज सुबह इनको गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।